बहुत से लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है, और जो खासकर जो नए भक्त जुड़ रहे हैं और यंगस्टर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो एक समर्पण भाव होना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी होनी चाहिए, और आडंबर या दिखावा नहीं होना चाहिए भक्ति में। सच्चे मन से आप याद करो तो प्रभु की कृपा, महाराज जी की कृपा तो अपने आप बरसने लग जाती है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन नए जो भगत जुड़ रहे हैं उनके लिए? कोई सामान उनके पास नहीं होता था, कोई आडंबर उनको पसंद नहीं था, तो एक बहुत सच्चाई है ना। तो अगर हम अपने मन को सच्चाई पर रखें, दिखावे से दूर रहें, और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। सच्चाई के साथ चले, कर्तव्य पूरा करें निष्ठा के साथ में, और दिखावा ना करके झूठ से दूर रहें, और वही सच्ची सेवा होगी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति और समाज के प्रति। भक्ति सच्चे भाव से होनी चाहिए, उसमें कोई भी आडंबर या दिखावा ये नहीं होना चाहिए। अपनी आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। आप पानी से अपने शरीर को कितना भी ऊपर से साफ कर लो, लेकिन यदि आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो आपके बाहरी दिखावा एवं सफाई का कोई मायना नहीं रह जाता। जैसे मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है और साफ भी रहती है, लेकिन उसके अंदर की बदबू कितनी भी धोने के बाद भी नहीं जाती, उसी प्रकार आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कोई छल कपट नहीं, पूर्ण विश्वास संकल्प और सच्चाई के साथ भक्ति करें। और जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाता है ना, तो तब चमत्कार खुद ब खुद होने लग जाते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है, कर्म सच्चा है, तो आप खुद महसूस करोगे कि महाराज जी यहीं कहीं हैं, महाराज जी यहीं कहीं हैं, महाराज जी यहीं तो है। डिवाइन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है, और आज की वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुरु महाराज जी की वंदना, उनका विनय चालीसा का पाठ करते हुए। और चलो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि इस पाठ को साथ साथ बोलने की एक कोशिश करते हैं। और अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप ये नित्य पाठ किया करो, मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप नित्य पाठ एक सच्चे मन से किया करो, आप खुद महसूस करेंगे महाराज जी की कृपा अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी। बोलती गाथाएं बाबा संग आप बीती, और ये तीन पार्ट में वीडियो आएगा, और इसका आज मैं आपको उस वीडियो, आने वाली वीडियो के कुछ अंश यानी कि ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं, और ये बड़ी जल्दी ही तीन भाग में ये आपके सम्मुख आएगा वीडियो। और इसमें जो है उनके अनुभव, जो आज मैं जिस भगत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका ये कह सकते हैं कि इनका जो बचपन है, इन्होंने अपना बचपन सीती माँ जी की गोद में रह चुकी हैं, खेल चुकी हैं, और नीप करोरी महाराज जी के साथ भी ये सेवा में लगी रहीं, और वहाँ महाराज जी की बानर सेवा के रूप में सेवा करती थी। 1965 यानी कि 1965 से लेके 1973 तक ये कैंची धाम में नीप करोरी महाराज जी और सीती माँ जी के पास रहकर सेवा करने का इनको मौका मिल चुका है। तो
देर किस बात की, जल्दी जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है, ऐसा इंटरव्यू लेते हुए मुझे भी बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है कि इतनी पुरानी भगत जो महाराज जी के साथ सेवा कर चुकी हैं, सिद्धि माँ जी के गोद में खेल चुकी हैं, उनके अनुभव मैं आप सभी भक्तों तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी भजन गायिका भी हैं और भजन लिखती भी हैं। इन पर नीप करोरी महाराज जी की बहुत ही कृपा है, नीप करोरी महाराज जी और सिद्धि महा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है और उनकी लीलाएं आज भी इनके साथ में हो रही हैं। और इनकी जो भजन होते हैं वो भजन सिर्फ महाराज जी की तरफ से इनको भजन मिलते हैं और इनकी कलम अपने आप चलनी शुरू हो जाती हैं। जो महाराज जी से प्रसाद के रूप में वो भजन मिलता है ये लिखना शुरू कर देती हैं और फिर उस भजन को ये बहुत ही इनकी सुंदर बहुत अच्छी आवाज़ है जो महाराज जी की देन है और ये फिर उसको भजन को गाती भी है। तो फिर देर किस बात की, बहुत जल्द आ रहा है ये वीडियो बोलती गाथाएँ बाबा संग आप बीती, यानी कि इन जो भगत की जो इन्होंने अपना जो महाराज जी की सेवा में वहाँ पे महाराज जी के साथ में अपना जो समय वहाँ पर रह चुकी हैं वो सारे अनुभव ये आप वीडियो में हमारी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और आज उस वीडियो के कुछ अंश यानी कि ट्रेलर देखेंगे। और मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है अगर आप भी महाराज जी के बारे में या सिद्धि माँ जी के बारे में कुछ आपकी जिज्ञासा है या कुछ जानना चाहते हैं इन भगत से तो आप हमें अपने जो प्रश्न हैं वो जल्दी से जल्दी कमेंट्स करिए ताकि जो वीडियो आने वाली है तीन पार्ट में हम आपके नाम से आपके प्रश्न को इनसे पूछेंगे। और अगर आप अपने वीडियो क्लिप्स हमें भेजना चाहती हैं, खुद वीडियो में अपना प्रश्न बोलते हुए दिखाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं अपना एक छोटा सा वीडियो बना के जिसमें आप अपना नाम कहां से हैं और क्या प्रश्न आप पूछना चाहती हैं नीप करोरी महाराज जी के बारे में या फिर सिद्धि माँ जी के बारे में, वो आप जल्दी से जल्दी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो भेजना चाहती हैं तो वो हमें ईमेल कर सकती हैं और अगर आप कमेंट्स के थ्रू पूछना चाहती हैं तो वो हमें आप कमेंट्स कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस ट्रेलर को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, आप पूरा ट्रेलर जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये कितने भाग्यशाली हैं जो महाराज जी और सिद्धि माँ जी के साथ में इनको सेवा करने का मौका मिला। Yeah.
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय, जगदंबिका नंदा मैया की जय, समस्त गुरु धामों की जय, जनकपुर धाम की जय, जय सीताराम जय जय राधे श्याम। मेरे गुरुदेव
बनी करोड़ी महाराज की जय। Oh,